Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Maham Adi and this is my second video on the subject operating system. So first of all, we are going to look at the things that we are going to discuss today. The first one is purpose of computer system. The second one is storage structure. And the third and the last one is multi-programming. ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इन मल्टी प्रोग्रामिंग या स्टोरेज स्ट्रक्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको नहीं समझेंगे तो आपको आगे कोर्स में बहुत मुश्किल हो सकती है। तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम का मेन पर्पज़ यही होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम जो है हमारी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करता है, उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें कुछ टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो है हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, आप कोई भी जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। आप जो डेली बेसिस पे कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करते हैं जैसे कि PC, अब उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या तो विंडोज़ या लिनक्स या कोई भी, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आप कोई भी जो है प्रोग्रामिंग कोर्स कर रहे हो जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करो जो स्टूडेंट्स के सिस्टम को मैनेज करे, ठीक है। आप देन ऑब्वियसली उसके लिए कोई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE ही यूज़ करोगे, सच एज विजुअल सी एंड जावा, एंड देन यू विल बी एंड अप राइटिंग अ प्रोग्राम विच वुड हेल्प यूजर इन इंक्रिप्शन, सच एज द स्टूडेंट्स ID, स्टूडेंट्स GPA, इस तरह से, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर जो है या तो क्लास के लिए है या स्कूल के लिए है यूनिवर्सिटी के लिए। अब वो क्या रहा है उस सब में, आप कोई सॉफ्टवेयर किस तरह से बना रहे हो प्रोग्राम्स के थ्रू, देन वो क्या कर रहा है, हमारी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो बेसिकली इसका कंक्लूजन यही है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है ना वो हमारे प्रोग्राम्स को रन करता है और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अब हमने ये तो देख लिया कि कंप्यूटर सिस्टम जो है प्रोग्राम्स को रन करता है, बट द क्वेश्चन इज हाउ दीज प्रोग्राम्स आर रन। वी आर गोइंग टू लुक एट इट इन अ बिट मोर डिटेल। वो प्रोग्राम्स जो है रन तो हो रहे, वो तो अलग बात है, लेकिन हम ये देखेंगे कि वो प्रोग्राम्स जो है रन होने से पहले कहाँ पर हैं, किस जगह पर पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम आ जाते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर पर। हमारे प्रोग्राम्स जो है ना वो हमारे होते हैं डिस्क पर पड़े हुए होते हैं, जो है सेकेंडरी स्टोरेज, क्योंकि हमारी मेन मेमोरी जो होती है ना बहुत ही स्मॉल होती है, क्योंकि CPU जो है हमें पता है, CPU जो है ना सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन से एग्जीक्यूट करता है जो मेन मेमोरी में पड़ी हुई हो। वो मेन मेमोरी से एक एक इंस्ट्रक्शन लेता जाता है, वहाँ से एग्जीक्यूट करता जाता है। अब मेन मेमोरी तो स्मॉल है, उसमें सारी जॉब्स नहीं आ सकती। तो होता क्या है, फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज इज यूज एंड द प्रोग्राम्स आर रिजाइड देयर इन द सेकेंडरी स्टोरेज। अब वहाँ से जो सेकेंडरी स्टोरेज में जॉब पूल होता है, अब जॉब पूल में वो सारी चीज़ें पड़ी, वो सारे प्रोग्राम्स पड़े होते हैं जो एग्जीक्यूट होने होते हैं, ठीक है। अब वहाँ से जॉब पूल से एक एक प्रोग्राम जो है मेन मेमोरी में आता जाएगा। अब मेन मेमोरी से क्या होगा, वो CPU की तरफ लाया जाएगा जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी होती है, ठीक है। अब ये सब सारी इंस्ट्रक्शन जो है, ये सारा प्रोग्राम जो है जब एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका रिजल्ट वापस जा रहा है, ये सब किस तरह से हो रहा है, उसके लिए दो ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एक लोड इंस्ट्रक्शन होती है, दूसरी जो है स्टोर इंस्ट्रक्शन होती है। लोड इंस्ट्रक्शन के थ्रू क्या होता है, हमारी जो प्रोग्राम है या इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी होती है वो मेन मेमोरी से जो है लाई जाती है CPU में, और जब उस पर ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म हो जाए, उसका रिजल्ट आ जाए हमारे पास, तो जब उस रिजल्ट को वापस हम मेन मेमोरी में ले जाएंगे तो उसे हम कहते हैं दैट इज द स्टोर इंस्ट्रक्शन। मैं आपको एक मेन बात बताती चलूँ कि हम अपने कोर्स में इस तरह से वर्ड में यूज़ करती रहूँगी प्रोसेस या प्रोग्राम। प्रोसेस इज बेसिकली द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। ये आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि मैं तो कह रही हूँ कि प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। अब जो प्रोग्राम इस वक्त CPU में है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसे हम प्रोसेस कहते हैं जो इस वक्त एग्जीक्यूशन में है, ठीक है। नाउ कम टू द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। इससे हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है।
इसके थ्रू क्या होता है, फेचेज एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से कोई भी इंस्ट्रक्शन ली जाती है, उसे एक इंटरनल रजिस्टर होता है सीपीयू में, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वहाँ पर रखा जाता है। अब वहाँ पे रजिस्टर में रखने के बाद उसे डिकोड किया जाता है, उस पर कौन कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है, उस पर कोई ऑपरेंड्स चाहिए तो उसे मेमोरी से फेच कर लिया जाता है। जब सब कुछ करके ऑपरेशंस परफॉर्म होकर उसका रिजल्ट हमारे पास आता है, उसको हम वापस सेंड कर देते हैं बैक टू द मेमोरी फॉर द स्टोरेज। ठीक है, ये एक वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था जिसके थ्रू हम देखते हैं, देखा कि किस तरह से कोई भी जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, अब आपने एक बात नोट की होगी कि एक सिंपल सा कोई भी जो है कंप्यूटर सिस्टम है, जैसे कि हमारा पीसी, उसमें सीपीयू तो हमारा एक ही होता है, लेकिन जो है हम बहुत सारे प्रोग्राम्स एट अ टाइम रन कर रहे होते हैं, जबकि हमें पता है कि सीपीयू जो है वो एक ही इंस्ट्रक्शन को एट अ टाइम एग्जीक्यूट करता है, पर हम तो बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ दिस प्रोग्राम्स रन ऑन वन सीपीयू साइमल्टेनियसली, एंड वी नो दैट सीपीयू शुड बी गिवन ओनली वन प्रोग्राम एट द टाइम टू एग्जीक्यूट, सो हाउ ऑल दीज प्रोग्राम्स रन ऑन सच मशीन। व्हेन वी थिंक अबाउट दीज थिंग्स वी रियलाइज यस समथिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच डज सो। All of these concurrent executable programs are basically multiplexed over one CPU. अब इसका मतलब ये है कि multiplex कर रहे हैं एक CPU पर। इसका मतलब होता है कि जब कोई एक प्रोग्राम जो है कोई एक इंस्ट्रक्शन CPU को दी जा रही है एग्जीक्यूट करने के लिए, फिर उसको थोड़ी देर के लिए दिया जाएगा, फिर उसके बाद उससे सीपीयू ले लिया जाएगा, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन को दे दिया जाएगा, फिर उससे ले लिया जाएगा, देन थर्ड बार। इस तरह से क्या होगा है, व्हेन वी सी आफ्टर फ्यू मिनट्स में बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स जो हैं थोड़े थोड़े एग्जीक्यूट हो चुके होंगे। अब ये सब इस तरह से हो रहा है, इसके लिए एक सीपीयू स्केजुलिंग होती है, वो एक अलग से डिटेल्ड टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से सीपीयू को पता चल रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, इसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है, किसको कितना टाइम देना है, किसको कब एलोकेट करना है, कब डी एलोकेट करना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग के थ्रू जो है हमारे सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है बढ़ती है। वो किस तरह से बढ़ती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि थोड़े थोड़े वक्त के लिए हर प्रोसेस को जो है दिया जाता है, हर इंस्ट्रक्शन को टाइम दिया जाता है कि थोड़ी देर के लिए एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, फिर थोड़ी देर के लिए दूसरी हो। तो इस तरह से क्या होता है, हमारे सीपीयू की यूटिलाइजेशन इंक्रीज होती है। जैसे कोई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, अब उसको जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की नीड है, तो जब नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम होगा तो उसमें क्या होगा कि तब तक सीपीयू जो है आइडियल होगा, आइडियल मतलब फ्री होगा, जब तक वो फर्स्ट वाली एग्जीक्यूट हो रही है उसे आईओ की नीड है, वो आईओ तो जब उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होंगी तब तक वो जो है सीपीयू आइडल होगा। बट इन द नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग इस तरह से, बट इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से नहीं होता। जब तक एक इंस्ट्रक्शन को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसे वहाँ भेज दिया जाता है, तब तक कि उतनी देर के लिए किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। इससे क्या होता है, हमारे सीपीयू की यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, हमारा सीपीयू जो है फ्री नहीं हो रहा, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, जब तक उसे आईओ की जरूरत है वो वहाँ जा रही है, तो तब तक वो दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, फ्री नहीं हो रहा, जिसके लिए हम कहते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग में जो है सीपीयू की यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है। अब हमने ये देख लिया, ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा क्लियर होंगी। अगर अब भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को आ सकते हैं। ये सब हमने इस वीडियो में तो ये देखा ना कि भाई कोई भी प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन उसको कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम्स को प्रॉब्लम आ रही है ये सब करने में, वो सब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देट, अल्लाह हाफिज़।